स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। रविवार रात्रि को रामलीला मंच पर श्री शिव शक्ति रामलीला कला व सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित श्री रामलीला मंचन में जो है स्वरूप नखा की नाक काटने का दृश्य है बड़े जबरदस्त ढंग से जो है दिखाया गया। तो आइए चलते हैं आपको श्री रामलीला मंच पर ले जाकर। मंच पर दर्शाया गया स्वरूप नखा की किस प्रकार से नाक काटी गई और किस प्रकार से फिर उसने अपने भाइयों को जाकर इसकी शिकायत की और भाइयों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया की, आइए श्री रामलीला मंच पर जाकर इस दृश्य को देखते हैं। आप यहां से चले जाओ। अरे वाह, मेरे राज्य में रहकर मुझ पर ही हुकुम चला रहा है। तुम व्यर्थ में भटक रही हो देवी, इससे तुम्हारे नारी धर्म का नाश हो जाएगा। यह बात विवाह कराने से पूर्व पढ़ा था कभी, या मेरी बारी में ही पूर्ण ज्ञानी हो गए। हर ज्ञानी के पास ज्ञान रहा है कभी? तुमसे विवाह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं विवाहित हूं, समझ गई ना आप? जी हाँ। तो आप जा सकती हैं। तो क्या ही अच्छा हो, जाने से पहले मैं उस काल को नष्ट करके जिसने मेरा साथ छीन लिया। मां सीता की ओर, तुम्हारे हाथ बढ़ने से पहले लक्ष्मण के धनुष से निकला हुआ बाण तुम्हें सदा के लिए धरती पर सुला देगा। मैं वर चाहती हूं। अवश्य चाहो, किंतु मुझे ही क्यों? मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भी तो है। मैं इनसे विवाह करने को तैयार हूं भैया जी। तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। इधर आओ, ठाकुर जी पर करके शब्द की बढ़ जाती है तो प्रसाद भी देती जाओ। आज्ञा कीजिए। तुमने माता जी को बुरा भला कहा है, इसलिए आप उनसे क्षमा मांग लो, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। तो यह बात है, मैं इनसे क्षमा मांग लेती हूं। ओह, यूं नहीं, एक राजकुमारी होकर क्षमा मांगने की रीति भी नहीं जानती। मेरे इस धनुष की डोरी पर नाक रगड़ते हुए कहो कि मैं देवी सीता से अपने अपराधों की क्षमा मांगती हूं। अच्छा राजकुमार, मैं सीता से सीता नहीं देवी। तुमने मेरे साथ जन किया है, तुमने मेरे नाक कान काटकर मुझसे छल किया है। इस छल का बदला लिया जाएगा। इसका बदला लिया जाएगा। तुम तो वट पर ही तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार अबला नारी का
इस अवसर पर अनुचित समझा, इसलिए करवाया अंग बंक, जिससे कुरूप हो जाए वो, फिर ऐसी अश्लील याचनाएं कहीं और न करने पाए वो। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने यह कुत्ता पढ़ाया था, और बाल अवस्था में हमसे तारका का वध कर पाया था। वो कहते थे जो पतिता है उसका वध करना अफसोस नहीं, दुनिया से घृत वस्तुओं का उठ जाना कोई दोष नहीं। खैर, जो हुआ उस पर सोचना व्यर्थ है, अब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वह अवश्य ही अपने हिमायतों को साथ लेकर आएगी। तो इसमें चिंता की क्या बात है भैया, जब तक प्रभु राम के हाथों में तारंग धनुष है और आपके स्टाफ के हाथों में धनुष और बाण है, आपका चिंता करना व्यर्थ है। वह बिजली करेगी चंद में, तब ठिठाली देखना, नर्क कर देगी दुष्टों की टोली देखना। ढुंडों से भर देगी थोली, काल की तब देखना, कैरों के सीने से खेलेगी, तब वो होली देखना। किस मूर्ख ने कुंडली लगाए हुए 20,000 को उंगली से छेद दिया है? किस मूर्ख ने पृथ्वी पर आकर लहू पीने की इच्छा जाहिर की है? किस काल के ग्राहक ने तुम्हारी नाक और कान फाट दी? किसे यमराज ने बुलाया है? नाक कटानक टी आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बता दो पहना चुप रखा, ये कैसा घमासान हुआ? किस चाली में की है हरकत, किस चाली में की है हरकत, किसके ऊपर पर मौत चढ़ी? दीने से बेजोर कौन है, किसकी आई बुरी घड़ी? सांप के मुंह में अगर नहीं उंगली, इसकी कितनी झूठ बड़ी? कदम के रस्ते कौन चला है, मौत से किसकी आग लड़ी? बैठे बैठे दिल उकताया, यूं ही शेर को जाती थी, करती फिरती मदरगस्त में अपना दिल बहलाती थी, चलते चलते यूं ही अचानक उस पंचवटी पर जाटती, नजर पड़े दो वनवासी, देख उन्हें मैं भी टिटकी, हुई मैं जिस दम उनके सामने, उनकी आंखों में खटकी, बुरी नजर से लगे देखने, आपस में कुछ खिटखिट थी। वो चाहते थे फुसलाना,
मैं झांसे में नहीं आती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। वो बनवासी सत्तरासी कौन है और किसके चाय है, मेरे इलाके में वो पापी बिना इजाजत क्यों आए हैं, मेरे हुक्म बिन पंचवटी में किसकी आज्ञा के आए हैं। वहां आकर सो रहेंगी वो रुपये लाए हैं, निश्चय ही अब उनके वास्ते मौन का सर सत्मान हुआ। बता दो मेरा थूप रखा ऐसा क्या घमासान हुआ। वो सन्यासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, वो सन्यासी अमतपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, नाम एक का नाम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं, उनकी दो मंजूरे नजर सीता के हैं उसे बुलाते हैं। हुसैन जवानी के अनुसार सूरज तक भी शर्माते हैं, नाक कान काट लिया मेरा। जब मैं अपना आप बचाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना मन बहलाती थी। अभी चिपकाऊ मजा उन्हें राजकुमार कहे लाने का, मेरे इलाका में आकर मुझ पर ही हाथ उठा लेगा। पता चलेगा अभी उन्हें तेरा खून बहाने का, जब तक ना ले लूं बदला उनसे रोटी तक नहीं खाने का। देख तेरी हालत पहना, वीर सिगर के बाण हुआ। बता दो बहना ध्रुव नगर ये कैसा घमासान हुआ। सेनापति जी, हुकम सरदार, छावनी में कितने जवान है? 14,000 सरदार। सबको तैयारी का हुक्म दिया जाए। जो आज्ञा सरदार।